जा रहा है वो हमें कर लेना है। जी धर्मेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग, मनीष जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मनीष सर जी, गुड मॉर्निंग। सो बताइए आनंदा के बारे में, सबसे पहले आपने थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत आप कुछ कर चुके हैं और अभी फिलहाल जो एलआईसी की तरफ से दे रखा है इन्होंने स्पेशल आनंदा को बढ़ा। पॉलिसी नंबर तो वैसे भी आप लगाते ही हैं, लेकिन आपको घर बैठे बैठे 200 रुपए या तो 100 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, तो क्या कोई बुरी बात तो नहीं है? हाथ आप घर बैठे बैठे, अब जैसे मान लीजिए पेमेंट आपके पास आई हुई है या तो पेमेंट नहीं भी आई ना, उससे भी क्या फर्क पड़ रहा है, तो पेमेंट आपके पास आई है या तो नहीं आई है, आपने प्रैक्टिस करके रख लिया, भी आपके पास पैसा आया तुरंत आपने कस्टमर को बोला कर लीजिए और बस उस समय उसका मूड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, मैं आपको रियल एग्जांपल बता देता हूँ। जेपी शुक्ला जी ने एक आदमी का पैसा लिया, एक आदमी का पैसा लेने के बाद मेरी उनसे बातचीत, मैंने कहा भाई शुक्ला जी पेमेंट आई हुई है तुरंत इसको आनंदा में कंप्लीट कर लो। कहते हैं हम आनंदा फनंदा के चक्कर में नहीं पड़ते। मैंने कहा ठीक है। 3 घंटे बाद उनसे दोबारा बात हुई तो वो कहते हैं कि वो कस्टमर मुकर गया जी, पैसे नहीं दे रहा। वो क्या बोलते हैं, उसने मना कर दिया। वो कह रहा है जी मेरे ना वो फैमिली में किसी की मौसा जी डेथ हो गई है तो अभी मैं पॉलिसी नहीं करूंगा। मैंने कहा यही आपने 3 घंटे पहले कर लिया होता आपका ये पॉलिसी हो चुका होता। खैर मौसा जी की डेथ है तो ठीक है, वो पैसे का इंतजाम होना चाहिए, पैसे का डेफिनेटली हमको इंतजाम करना चाहिए, लेकिन यदि उसने 3 घंटे पहले यदि ये काम कर लिया होता तो मौसा जी की डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा होता। वो डेफिनेटली वो सोच रहा होता है ठीक है ना यार कोई बात नहीं हो गया। अच्छा रियल रीजन पेपर ही क्या होता है, लोग बोलते कुछ और हैं, लोग बोलते कुछ और हैं और रियल रीजन होता कुछ और है। रियल रीजन क्या है, वो मौसा जी की डेथ नहीं, कभी कभी रीजन ऐसा होता है कि बस वो कहना नहीं चाहते, मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन रीजन कुछ और होता है। सो एनीवे हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि आनंदा के अंदर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर लेते हैं। आप में से कौन कौन कितना कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं थोड़ा सा मेरे को बताएं तो हम इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से करें और इसको समझें। हम इंडिविजुअली शुरू कर लेते हैं। अभी आप में से किसी के पास पैसा आया हुआ है तो हम उसी से शुरुआत करते हैं ना, तुरंत टाइप कर लेते हैं, अभी नंबर लगा लेते हैं। थ्योरी के बारे में जानने की क्या जरूरत है, थ्योरी तो आप ऑलरेडी पिछले 6 महीने में ढेर सारी थ्योरी जान चुके हो, अभी थ्योरी के बारे में जानते जानते थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर डालते हैं ना, प्रैक्टिकल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकली कौन शुरुआत करना चाहेंगे कि हाँ आनंदा के अंदर हम टाइपिंग भी करेंगे और आज इसका पैसा भी हम जमा करवा देंगे, तो पेमेंट किसी के पास आया हुआ है क्या अभी? तो आपके पास आया है तो पेमेंट का हम उसका आनंदा में टाइपिंग एक बार शुरू कर दें। सर गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो पैसा आपके पास आया हुआ है तो उसके अंदर सबसे पहले आप अंदर एक्टिवेटेड हैं या नहीं है? आप जो बता रहे थे वो पेमेंट आपके पास आया हुआ है तो क्या हम उसको अभी के अभी उसको आनंदा के अंदर पूरा उसका 300 नंबर भर के और उसका अभी पेमेंट अभी ऑनलाइन कंप्लीट कर लें क्या? ब्रांच में करा लूंगा सर, 2-3 के सौर भी एक साथ ही हो जाएंगे सर। वो कोई बात नहीं, आपके जब भी डालने डालना, समझ नहीं आया मुझे क्या चीज मैं करूँ अभी ना, वो उसमें सर मेडिकल रिक्वायरमेंट आएगा जहां तक मेरा आइडिया है। मेडिकल आएगा या नहीं आएगा क्या ये हम आनंदा पे चेक कर लें? कर लेते हैं ठीक है। आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप या तो टैब ओपन कर सकते हैं जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करें, तो मैं अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस शुरू करूं। अपने वाले पे करो आप। मैं अपने वाले पे करूं ठीक है, तो मैं अपने वाले पे शुरुआत करता हूं, आप देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से शायद आप अपने हाथ से करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर एनीवे मैं खोल दिया है आपकी। और एलआईसी इंडिया की
वेबसाइट पर आप नीचे देखिए लेफ्ट साइड में क्या आपको आनंद नजर आ रहा है, आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया। इसको जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दिस लिंक विल टेक यू टू एक्सटर्नल साइट, हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने पर हमारा नया पेज ओपन हो गया। नया पेज होने पर सेलेक्ट यूजर टाइप हमने किया, सेलेक्ट यूजर टाइप में एजेंट या विद ओटीपी किया, उसको हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद उसको कोड डाला। मेरे ख्याल से मैं अपने हाथ से करूं तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अपने हाथ से करें, क्योंकि मेरे पास आनंदा का कोई पासवर्ड नहीं है, मेरे को एलआईसी ने कोई पासवर्ड ही नहीं दिया, सिर्फ एजेंट। अच्छा मेरा आगे पासवर्ड तो बार-बार रहा है, ओटीपी आपके फोन पर आया है, लेकिन आप मेरे को सुझाव क्या है, देखो मैं कर दूंगा, मेरे को लैपटॉप पे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फटाफट कर दूंगा, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि यदि आप अपने हाथ से करेंगे आपको जल्दी सीखने को मिलेगा, आप जल्दी इसको समझ पाएंगे, बस ये मेरा सुझाव है। ओटीपी बताइए, हाँ आज आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हर कोई सीख सकता है थोड़ा उसको। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर मैंने तो अपना कर ही रखा है, मैंने तो अपना स्क्रीन शेयर कर ही रखा है, और साथ-साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है कि आज मैंने स्क्रीन शेयर का आपको सभी को अलाउ कर रखा है, मतलब आप यदि करना चाहें तो आप भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो राजेंद्र जी ओटीपी बोलेंगे, आप कर लीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए वैसे फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं तो कई बार कर चुका हूँ, हमारे अलग अलग साथियों का, ढेर सारे साथियों का कई बार कर चुका हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पर उनके कंप्यूटर पे कई बार कर चुका हूँ। तो एनीवे, तो राजेंद्र जी शुरुआत करते हैं, आप मेरे को वो बताएं जरा क्या बोलते हैं ओटीपी, तो मैं इसको डाल के आगे बढ़ूं। 419300 ठीक है जी जी, प्रोसीड किया हमने, आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर ये टिक आ जाता है कि आपने टिक डाला है। यहाँ पर ये बता रखा है कि ये सारे के सारे प्लान हैं जो कि आप इसके अंदर आनंदा में कर सकते हैं, नॉन मेडिकल फॉर ऑल, नॉन मेडिकल फिलहाल नॉन मेडिकल के लिए है, आने वाले समय में मेडिकल भी हो जाएगा। फॉर बेसिक सम अशोर्ड विद ऑल राइडर लाइक एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्म राइडर, ये सब यहाँ पर आप आनंदा में कर सकते हैं। वेयर मोबाइल नंबर ऑफ लाइफ अशोर्ड और प्रपोजर इज अवेलेबल, मोबाइल नंबर आधार में लिंक होना चाहिए, नहीं है तो करवा लीजिए। फॉर ई साइनिंग एसीआर, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को आपको ई साइन करना है, आपको ईमेल आएगा, उसके अंदर आपको क्लिक करना है, ओटीपी डालना है, तब आपका ई सिग्नेचर हो जाएगा। आधार नंबर सर्कल मेरे पास, क्या ये वाला स्क्रीन तो आया था सर मेरे पास जब ओटीपी के पास। हाँ, इसीलिए आज सुबह का मीटिंग रखा है, इसीलिए आपको इधर बुलाया था, आपको आपकी स्क्रीन पे ये वाला स्क्रीन, आपको जब आपने किया तो ये स्क्रीन नहीं आया, इसी वजह से मैंने यहाँ खोला है कि भाई इधर खोल के देखो कल क्या था, जो भी कुछ 19-20 क्यों बच गया था, इस वजह से यहाँ पर मैंने खोला है कि आपके लिए आसान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई साइनिंग जो एजेंट रिपोर्ट आप करेंगे, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें आधार का वर्चुअल आईडी आपको डालना है, वो उसका तरीका बता दूंगा कैसे डालेगा ओटीपी के द्वारा। और ई साइनिंग द प्रपोजल फॉर्म, कस्टमर को जब आप करेंगे, जब आप इसके अंदर आनंदा के अंदर आप पॉलिसी नंबर लगाएंगे, जैसे कि हमने गौरव वो हम विकास गोयल जी हमारी टीम में है, विकास ने पॉलिसी बेचा 52,000 का चेक ले लिया विकास ने, मैंने कहा यार तू घर बैठ के कर लेना, ठीक है घर बैठ के कर लेते हैं, तो घर बैठ के करने के लिए किया मैंने, उसको बोला यार तू ऐसा कर, तू एनी डेस्क पे वो ले ले, या तो फिर कस्टमर को बोला एनी डेस्क, वो कहता नहीं मेरा तो एप्पल का फोन है उधर, वो नहीं होएगा एनी डेस्क नहीं होएगा, तो ठीक है आप ऐसा करो ना जूम कॉल पे आ जाओ। तो हमने जूम कॉल पे क्या किया, हमने कस्टमर को भी ले लिया, मानव जैन का नाम था, विकास को भी ले लिया, और तीनों ने मिलजुल के वो कर डाला, 52,000 का ऑनलाइन कर डाला वो चेक। उसने बोला सर वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेगा, मैंने कहा कोई नहीं तू चेक की फोटो खींचना, हम इधर एस बी आई पोर्टल पे बीओसी बनाते हैं, बीओसी बना के हमने आना में उसको कर डाला, उधर ऑफिस में भेज दिया उनको ब्रांच मैनेजर को, सर ये पॉलिसी नंबर लगा देना। हमारा काम है प्रपोजल नंबर तक जनरेट करना, प्रपोजल नंबर जनरेट हो गया, उसका काम दफ्तर के काम है कि हाँ भाई हमने जो भी कुछ किया है उसके बारे चेक करके पॉलिसी नंबर लगा देंगे, दे दिया। कल हमारे वो जो एबीएम है हरीश जी, उनको जबरदस्त तरीके से उनके क्या बोलते हैं हाथ के अंदर उनको चोट लग गई थी, तो खून वून काफी सारा ढेर सारा बह गया था, तो उनके बाजू में चोट लगी थी, इस वजह से वो काफी थोड़ा सा दुखी भी थे। तो एनीवे पॉलिसी नंबर लगाने के लिए दे दिया है, तो पॉलिसी नंबर भी उनका लग जाएगा। तो हमारा काम क्या है, प्रपोजल नंबर वगैरह इधर से, देखो प्रपोजल टाइपिंग का काम हमारा इधर हो गया, और प्रपोजल टाइपिंग के बाद हमारा एजेंट रिपोर्ट
काम इधर हमारा इंजीनियरिंग का काम हो गया, हमारा अंडर राइटिंग का काम हो गया, हमारे ढेर सारे काम इधर हो गए ना। दफ्तर के अंदर क्या काम बचा, सिर्फ एक ही काम बचा पॉलिसी नंबर लगाने का। अभी हमने दफ्तर वालों को तो दिया, लो पॉलिसी नंबर लगा दो, लगाते रहेंगे ना। तो हम अपना यहाँ पे कर लेंगे, देखो आपके टाइम का भी सदुपयोग होगा, क्लाइंट को भी अच्छा लगा। मैंने जिस क्लाइंट को यहाँ पे आनंदा में साथ लेके यहाँ पर पॉलिसी नंबर लगाया है, क्लाइंट को अच्छा लगता है, उसको लगता है यार मैंने आज तक तो ऐसे एजेंट देखा नहीं था जो इधर ऑनलाइन मेरे को सारा काम करा के देता है, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। सो क्लाइंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग दे पाए, इस वजह से आनंदा करना हमको जरूरी है। सो यहाँ पर ये वाला स्क्रीन आपका आ गया है, ई साइनिंग द प्रपोजल फॉर्म क्लाइंट को ईमेल जाता है कि इसका उसमें ओटीपी डाल दो, तो ई सिग्नेचर हो जाता है। एंड यहाँ से हमने इस स्क्रीन को कंटिन्यू किया, इसमें क्लाइंट का ईमेल आईडी होना जरूरी है। हाँ, ईमेल आईडी तो जिसके पास भी एंड्रॉइड का फोन है हर एक के पास होता ही है ना। इसके पास तो अभी ईमेल आईडी है नहीं, इसके पास तो, और फोन भी इसका वो भी पॉलिसी अपन टाइप करने की कोशिश करेंगे। अपना ईमेल आईडी डाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है आपको ये भी पता नहीं, क्योंकि इसका फोन भी ना एंड्रॉइड फोन। हाँ हाँ ठीक है, इसका फोन भी इतना वो नहीं है ना, खाली नंबर वाला फोन है। क्या चीज, ओटीपी इसी के क्लाइंट के पास भी जाएगा ना? ओटीपी तो उसके पास आएगा, लेकिन जो ईमेल आईडी वाला काम है उसमें ईमेल आईडी आप अपना डाल दो। यदि आपने अपना ईमेल आईडी डाल दिया ईमेल आपके पास आएगा। अच्छा, ईमेल बाद में चेंज करा देना, क्लाइंट के पास ईमेल है तो क्या नहीं, उसको ईमेल बनाने में कितनी देर लगती है? आप किसी का भी जीमेल में जाओ, जीमेल में तुरंत उसका ईमेल क्रिएट कर लो, एक मिनट भी नहीं लगता जी। आठवीं पास से आया का काम करती है, अभी कहां मेल वेल के चक्कर में डालेगी वो। कोई बात नहीं ना, आठवीं पास से आया का काम करती है, करने की क्या बात है। आप एक बात बताओ, देखो पर्पस क्या है, आप उसका मकसद समझने की कोशिश करो। आज आप शनिवार के दिन घर पर हो, आप तुरंत उस इशू नंबर टाइपिंग करके और एजेंट रिपोर्ट टाइपिंग करके और तुरंत उसका पॉलिसी नंबर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप इंतजार करोगे, शनिवार वेट करोगे, इतवार वेट करोगे, मंडे वेट करोगे, ये सब आप इंतजार करते रहोगे। इंतजार करने की आपको जरूरत क्या है? अभी मकसद जो ना, मकसद क्या है, आठवीं पास है या भले ही पांचवीं पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉन मेडिकल की लिमिट में आती है ना, जो अंगूठा छाप है वो नॉन मेडिकल की लिमिट में नहीं आता है। लेकिन जो अंगूठा छाप नहीं है उसका तो हम कर सकते हैं ना, जो आदमी कम से कम पहली क्लास पढ़ा है उसका तो नॉन मेडिकल की लिमिट में आ ही जाएगा, और नॉन मेडिकल की लिमिट में आ गया तो नॉन मेडिकल में हम पॉलिसी नंबर उसका लगा सकते हैं। आठवीं पास वाले का भी अगर इसमें टर्म वाला, हाँ जी, अगर इसमें टर्म वाला ऑप्शन दे रहे हैं तो उसका मेडिकल आएगा फिर। टर्म वाला देखो, कई सारे टर्म वाले होते हैं जिनके अंदर मेडिकल नहीं आता है, लेकिन कई सारे टर्म वाले होते हैं जिनका नॉन मेडिकल में हो जाता है। आपका काम क्या है, आपने अंदर बोला देखो मेडिकल आएगा नहीं आएगा वो सब ये बता देगा ना। ये तो बात की स्टेज है, सबसे पहले तो वो आता है एजेंट का जो आधार वगैरह। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, फाइल डाउनलोड करना। हाँ, हो गया ना इनका आधार वगैरह। यदि इनका आधार, इनका ई के वाई सी यदि नहीं होता तो यहाँ पर ये वाली स्क्रीन आपकी ओपन नहीं होती ना। हाँ, उसमें वो अभी है, वो होता है। हाँ, तो ई के वाई सी इनका हो चुका है। हाँ जी, अच्छा, ई के वाई सी इनका हो चुका है। ई के वाई सी यदि नहीं होता, हाँ जी, अच्छा, यदि इनका ई के वाई सी नहीं होता तो ये वाली स्क्रीन नहीं खुलती ना। आपको ई के वाई सी अपना खुद का करना है, जो आधार का अपना वाला काम करना है वो सिर्फ एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना है। अच्छा। और कस्टमर हर एक बार अलग अलग होंगे तो हर एक कस्टमर का अलग अलग करना है, ठीक है। पॉपअप ब्राउजर का ध्यान रखिएगा, सेटिंग्स में जाके पॉपअप ब्राउजर आप अलाउ कर लीजिएगा, जिससे कि आपका बाद में जाके पेमेंट के टाइम पर अटक ना जाए। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम कैलकुलेशन को ओपन किया, प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेटर। कल गुड्डू कुमार ने अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी किया था, वहां से भी ठीक ठाक हो गया था। तो राजेंद्र जी, आप वो वाला फॉर्म निकाल लीजिए कि जिसका भी आपने वो फॉर्म आप कह रहे हैं आठवीं पास से आया का काम करती है, सिग्नेचर करती है या नहीं? साइन करे, मैं साइन किया हूं उसको। प्लान बताइए, कौन सा प्लान है? 933 है उसका, 1633। हाँ, ये है ना 933। आप खोल लीजिए, 933 खोल के डेट ऑफ बर्थ बोलिए। अच्छा, ओटीपी बता पाएगी कि नहीं बता पाएगी? ओटीपी तो बता देगी, लेकिन अभी तो बात करनी पड़ेगी ना, मुझे बताया नहीं ना कुछ, अभी कोई ओटीपी आएगा नहीं आएगा। देखो, हमें सीखना है ना, हम सीखने के लिए यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओटीपी कर लेंगे जैसे ही ओटीपी वाली स्क्रीन आएगी। देखो सुनो, जब जैसे ही ओटीपी वाली स्क्रीन आएगी आप उसको फोन लगा लेना, चलेगा ना? तब तक के लिए कम से कम ये वाली स्क्रीन की प्रैक्टिस तो कर लीजिए ना, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी है। ठीक ठीक
बाकी सेम टू सेम है, जैसा 300 नंबर फॉर्म है वैसे यहाँ पे भरना है। आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है, घर बैठे बैठे 24 घंटे 365 दिन आप ऑनलाइन 300 नंबर फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन सारा क्लाइंट पूरे इंडिया के किसी भी कोने में आपका जो कस्टमर बैठा हो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, वो अपने घर हम अपने घर हमारी सेल हो गई। ये फायदा है, आपको स्पेशल दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। आप दफ्तर आइए, आपका दफ्तर है, भले ही आप हो जाइए, लेकिन स्पेशल दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। आपके पहले के जितने भी आप पॉलिसियां किया करते थे 80% पॉलिसियां तो यहाँ पर कंप्लीट होंगी, बाकी की जो 80% जो अनंदा के लेवल की नहीं है, बाकी की जो 20% है वो आप दफ्तर में आके कंप्लीट कर लीजिए। 80% काम तो निपट गया ना आपका। सही बात, आप दफ्तर में ढूंढोगे ग्रीन चैनल वाला टाइपिस्ट किधर है, एनबी में कोई आया कि नहीं आया, ये सब चक्कर खत्म हो गए ना, यही की यही भरा खत्म। लैपटॉप खोला तुरंत, वो मान लो 8वीं पास आया है आप सामने, आई 300 नंबर पूरा भरने की बजाय आपने लैपटॉप खोला तुरंत सारी डिटेल इधर भर ली, ओटीपी आया जो भी आया उसके फोन पर आएगा, मान लो उसके पास 600 रुपए वाला फोन है, ओटीपी तो आता है ना उसके अंदर भी। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ बताइए इसका है, डेट ऑफ बर्थ से पैन कार्ड निकाल लो उसका है 1181। ये 1181 हमने डेट ऑफ बर्थ भरा, इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन है, फीमेल है। और आगे हम चले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, 933 LIC जीवन लक्ष्य समझोड़ बताइए। 4 लाख, ये 4 लाख डाला। ईयरली है? क्वार्टरली। क्वार्टरली है, नैच वाले इसमें नहीं होंगे, यहाँ पे बिना नैच वाले प्रपोजल होते हैं अनंदा में। टर्म बताइए। टर्म है इसका 16-13। यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। बैकडेट करना है क्या? एक महीने बैकडेटिंग कर देते हैं, 28-4 से कर देते हैं। महीने के लिए हमने यहाँ पर इसको 22-5 को हमने इसको सेलेक्ट करके इसको 4 कर दिया। तो राइडर बेनिफिट, एक्सीडेंट बेनिफिट नॉट अवेलेबल फॉर सिंगल प्रीमियम प्रपोजल, पुलिस पर्सोनल में नहीं है। एक्सीडेंट बेनिफिट चाहिए, ADDB एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट चाहिए, और एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहिए 4 लाख का। क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं चाहिए, टर्म राइडर नहीं चाहिए, हमें इसको कैलकुलेट प्रीमियम कर दिया। जब हम 4 लाख डाल दो, टर्म राइडर 4 लाख का दे दो उसको। 4 लाख का चाहिए, हमने इसको बैक किया, बैक करके हमने दोबारा से भरना शुरू किया। सॉरी हम थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से चले गए, दोबारा से भरना। डेट ऑफ बर्थ बताइए, दो भी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है इसका 1181। 1181 इंडियन रेजिडेंट, इंडियन मेल, फीमेल, फीमेल गया। बात हमारा समझ लो, 4 लाख हो गया, ये हमारा 4 लाख आ गया, ये हमारा क्वार्टरली आ गया, ये हमारा पॉलिसी टर्म आ गया 16-13, और ये हमारा आ गया डेटा प्रपोजल आ गया। 28-4 कर देते हैं, पिछली बार भी हमने 22-4 ही किया, क्या बात नहीं, दोबारा स्क्रीन चेक करने से कम ये फायदा रहता है। और एक और फायदा ये रहता है टाइपिंग करने में कि हमको पता है क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं चाहिए, 15-13 की बीमारियां कम होती हैं, टर्म राइडर आपने बताया कि 4 लाख का चाहिए। अभी तक ठीक है, ये डिटेल सारी ठीक है, इसको मैं ये सब डिटेल थी, ये हमने कैलकुलेट प्रीमियम किया, कैलकुलेट प्रीमियम में सब जगह टिक लगा हुआ आ गया ग्रीन कलर का, और ये इसका प्रीमियम कैलकुलेशन आ गया 933-13 क्वार्टरली रेजिडेंट इंडियन 1981-1984 एज है, फीमेल है, 28-4-2021 से कमेंसमेंट है, 4 लाख का सम अश्योर्ड है, 4 लाख का ADDB है, क्रिटिकल इलनेस राइडर 0 है, टर्म राइडर 4 लाख है, बेसिक 7,705 रुपए क्वार्टरली का प्रीमियम है, और टर्म राइडर का 538 का प्रीमियम है, टोटल 8,734 रुपए भरने हैं। ठीक है, पेमेंट यही आई है 8,734 ही लिए। ठीक है ना, आपका जो ऑल इन वन में जो प्रीमियम का फर्क आ रहा था वो सब खत्म हो गया, लीटर में जो प्रीमियम का फर्क आता था वो सब खत्म हो गया, 8,734 LIC के सर्वर ने बताया है, और 8,734 ही जमा होंगे, चेक ऊपर नीचे भरने का झंझट नहीं, कैश ऊपर नीचे लेने का झंझट नहीं। ठीक है, ये आपका ग्रीन चैनल है, आप सोचो आप घर बैठे ग्रीन चैनल। जरूरत नहीं है क्योंकि व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको पता है क्या होता है, कंफर्म एंड प्रोसीड आप कर दीजिए यहाँ पर, जैसे ही आपने कंफर्म एंड प्रोसीड किया ये आपका अगली स्क्रीन आ गई, एजेंसी कोड आ गया आपका 594, आपका सब चीजें आ गई हैं, सेटेलाइट ब्रांच आपकी नहीं है, नाम आ गया आपका, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आपका आ गया, सब चीजें आ गई हैं। ये जनरेट लीड करेंगे तो ये लीड आपका जनरेट हो जाएगा, हमने इसको जनरेट कर दिया,
जनरेट करने पर आपके ये अकाउंट में ये वाला जो कस्टमर है रजिस्टर, ये पूछा है कि डू यू टू प्रीफिल, क्या इस आप फॉर्म को प्रीफिल करना चाहते हैं? और पुराना जो इसका पुराना पॉलिसी इसका पॉलिसी हमारा ये फिर प्रोसीड आगे, हाँ ठीक है। तो आप अपने फोन की स्क्रीन पर से जूम भी कर सकते हैं, यदि आपको छोटे छोटे अक्षर अपने फोन पे नजर आ रहे हैं, आप जूम करेंगे तो आपके फोन पर आपको स्क्रीन में थोड़े बड़े बड़े भी नजर आ सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। प्रोसीड हमने किया तो भी आगे बढ़ गया। प्रोसीड करके आगे बढ़ते ही यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, ऑफलाइन ई के वाई सी आधार बेस्ड, अभी कस्टमर का हमको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, इसमें क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन ई के वाई सी, काइंडली कीप द आधार नंबर, यानी कि कस्टमर का आधार नंबर हमको चाहिए ही चाहिए, ये आधार नंबर लेना पड़ेगा। आपका आधार नंबर है इनका? हाँ है। यू हैव टू डाउनलोड ऑफलाइन केवाईसी जिप फाइल फ्रॉम यूडाई साइट, क्लिक हियर टू डाउनलोड, ये हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करके आपको आधार नंबर बताना है, आप आधार नंबर बोलिए, इनका आधार नंबर क्या है? 8325 6800 6800 70 हाँ जी 6370 6370। अभी आप आधार नंबर चेक करिए, 8325 गलत 6870 6870 7812 7322 अभी ठीक है 7812 8 8 8 7 8 1 2 अभी ठीक है, दोबारा बोलूं एक बार, अभी एक मिनट जरा, एक मिनट आप स्क्रीन पर आप देखिए ना, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसको जूम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है। तो अभी यहाँ पे कैप्चा का कोड डाल दीजिए, इधर आपने ओ डाला, ओ हमने कैपिटल में डालना है, ए डाला आपने, एम डाला, टी डाला, ये आपने कैप्चा कोड डाला, सेंड ओटीपी कर दीजिए। सेंड ओटीपी एक बार में नहीं हुआ तो हमने दोबारा कर दिया, दोबारा करने के बाद ये घूमना शुरू हो गया, घूमने के बाद इस पे लिखा है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल, अभी आप उसको फोन लगा के उनसे ओटीपी पूछो, मोबाइल नंबर डाल लेंगे इसका, मोबाइल नंबर डाला नहीं, मोबाइल नंबर तो आधार में रजिस्टर्ड है ना, अब वो पता नहीं है नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा मेरे को। यदि उनका मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड नहीं होता तो ये जो आधार की जो साइट है, आधार वाले ये वाली बात आपको नहीं बता रहे होते कि ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसका आधार रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसका यहाँ पर वो आता है कि आपका मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड नहीं है, कॉल करो उसका मतलब उनका मोबाइल, हाँ जी कॉल करो, कॉल हाँ कॉल करिए, कॉल करके आप इनसे ले लीजिए, जिसका भी माइक फोन है। अशोक जी अपना जरा माइक बंद, मेरा बंद है पता नहीं, अशोक जी आपका माइक खुला है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, अभी ठीक है, अभी शांत हो गया। तो बताइए राजेंद्र जी, अभी तो फोन, अभी तो फोन कर रहा हूँ उसको भी, हाँ फोन करके ओटीपी बताइए। So, तब तक आप फोन करिए अपना, तब तक के लिए हम लोग बाकी साथियों से जान लेते हैं, अभी तक आपको इसमें क्या क्या समझ में आया? हेलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। आप मतलब इसके लिए एक्चुअली बढ़िया बेटा, ओटीपी बताना क्या है, वो इनका नंबर चुप कर रहा हूं ना, पॉलिसी नंबर बताइए। एक्चुअली इसके लिए बढ़िया तरीका क्या रहता है कि हम क्लाइंट को ना इसी कॉल पे ले लें, क्लाइंट को क्या है कि जूम कॉल पे ले लें, या तो उसको पहले से बोल के रखें कि जी वो ओटीपी के लिए अभी ना मैं आपको थोड़ी देर में फोन कर रहा हूं, मैं आपका टाइपिंग शुरू कर रहा हूं, 1947 ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, हां जी 1947 आगे भी तो बताओ ना, ओटीपी तो है इसके भी, प्लीज एंटर ओटीपी, 4 डिजिट नहीं है, 6 डिजिट है, पता करता हूं, कमेंट रुको जरा, 1947 तो आधार वालों का फोन नंबर है, आधार वालों का फोन नंबर नहीं बताना है, ओटीपी बताना है, तो
तो बच्चे ने बताया अभी, तो ओटीपी भेजा ना वो बताना है, आधार वालों का फोन नंबर है मेरे ख्याल से 1947। मुझे ऐसा लगता है कि आधार वालों का फोन नंबर शायद ये लेना है, ये 1947 आधार वालों का फोन नंबर है, ये नहीं बताना है, ओटीपी बताना है। डबल फाइव 1947 ने आपको मैसेज भेजा होगा, भेजने वाले जो जिसने मैसेज आपको भेजा है उसका नंबर 1947 है। 7126 हाँ जी 45 ठीक है 7126 45 आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये हमने डाउनलोड किया, इसको बोलते हैं कस्टमर का ईकेवाईसी ऑफलाइन ईकेवाईसी वेरिफिकेशन, ये हमने आगे किया। आगे करने के बाद डाउनलोड करने के बाद इसको आपका ये डाउनलोड होता है, अब ये डाउनलोड में अच्छा डाउनलोड हो गया ये, और डाउनलोड होने के बाद हमको पिछली स्क्रीन में आना है और अभी आपको इनका हमें प्रोसीड करना है। यहाँ पर प्रोसीड करने पर हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर आप इनका बताइए क्या है। 9354 जी 6359 जी 28 नंबर चेक करिए, नंबर ठीक है 9354635928 ठीक है ठीक है। अभी इसको हमने ब्राउज किया, ब्राउज करके ये वाला फाइल उठा लिया, जो कस्टमर का ईकेवाईसी का फाइल है डाउनलोड्स में आप देखेंगे ये फाइल आपको मिलेगा, यहाँ से ये वाला फाइल उठा लिया, फाइल उठाने के बाद अटैच हो गया, हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अभी ओटीपी दोबारा से अभी पता नहीं राजेंद्र जी आपके पास आया है कि उसके पास, देखना आपके पास नहीं आती थी, नहीं उसी के पास दिया होगा ना, आप देखो आपके पास क्यों नहीं आया, आपके पास मेरे पास तो नहीं है तो मुझे नहीं, हाँ तो उसी के पास गया होगा, हमने मोबाइल उसका डाला है, ई केवाईसी का फाइल उसका डाला है, तो इसका मतलब कि गया उसी के पास ही होगा। तो दोबारा लूं अभी? हाँ दोबारा दोबारा अभी दोबारा लेना है, ओटीपी दोबारा लेना है कि भाई उसका हमने ये आधार डेट डाला है ना, तो उसका अप्रूवल, ओटीपी का मतलब कि अप्रूवल कि हम जो आधार का डिटेल एलआईसी में डाल रहे हैं ये अप्रूवल उसकी तरफ सेंड है। बेटा एक और आया बताइए 7428 0 ठीक है 7224 80 ठीक, कंटिन्यू कर दिया हमने ओटीपी डालने के बाद। अब हमने ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया इसका नाम, ये स्क्रीन के ऊपर ये लाइन रेड कलर की लाइन मत डालिए जिसने भी डाली है, क्योंकि आप वहां पे लाइन डालेंगे तो वो सबको न जाएगी, तो ये लाइन मत डालिए। सबीना फीमेल ये सब आ गया, डिटेल आ गया, ये सब हमने ओके कर दिया, आपका ये सब काम हो गया, केवाईसी इसका हो गया। केवाईसी होने के बाद ये वाला हो गया, इसको नाम है, नाम आपका मुझे नाम ऐसे बी आई एन इधर तो वो अच्छा नहीं गया, आ गया सॉरी, ये तो इसका नाम ऑटोमेटिकली लास्ट नेम में सबीना लिखा है, वो सब ठीक है, लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन में नहीं हो रही, राइट साइड वाली आधार नेम बोलिए, कोई बात नहीं, फादर नेम बोलिए, लेफ्ट साइड में जितना भी डाटा है वो सारा इसने आधार के थ्रू उठा लिया है, लेफ्ट साइड में कोई करेक्शन नहीं होगा, राइट साइड में आप जो मर्जी कर सकते हैं। फादर नेम बताइए, फादर का नाम है शकील, शकील मिस्टर शकील कर देते हैं, मिस्टर शकील कर दिया हमने। मदर का नाम बताइए, मदर का नाम नहीं सर, मदर का नाम है शाहिन, हाँ जी फादर नेम है इसका कशीम, फादर का नेम कशीम है, कशीम